जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चैनल है लोकल गाइड हर्ष, तो हम भोपाल के कॉलेज या भोपाल के कोई भी संस्थान या पूरे भोपाल को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें मित्तल कॉलेज जाना है, क्योंकि अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा चल रही है, तो लोगों के एग्जाम सेंटर फंस रहे हैं। तो हमने कई सारे कॉलेजों पर वीडियो बनाई है, सेम कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, या नीलवाड़ में चले जाइए तो IAS कॉलेज, रातीबड़ चले जाइए राधा रमन कॉलेज, सेज यूनिवर्सिटी, ऐसी हमारी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो अभी बारी है मित्तल कॉलेज की। तो दोस्तों, अगर आपका मित्तल कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बने रही है एंड तक, और मित्तल कॉलेज के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बहुत सी छोटी वीडियो है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, और आपको 3 से 4 मिनट में हम मित्तल कॉलेज पहुँचा दूंगा, ठीक है, वर्चुअली। तो दोस्तों, करना क्या है, मेन भोपाल जंक्शन उतरिए आप। सबसे बेहतर रहेगा कि आप भोपाल जंक्शन उतरें या नादरा बस स्टैंड, अगर बस से आते हैं तो नादरा बस स्टैंड, और ट्रेन से आते हैं तो भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन जैसे ही उतरते हैं आप, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर आना है, और अल्पना तेराहा रहता है, ये होटल रेड सी प्लाजा रहेगा, टिकट काउंटर के जस्ट 200 मीटर के गैप में रहेगा, मोटरसाइकिल पार्किंग से लगा हुआ है, और वहीं अल्पना तेरा के सामने पेट्रोल पंप है। तो आप पेट्रोल पंप वाली साइड पहुंच जाइए, वहां से आपको 3 बस चूज करनी है। कौन कौन सी? SR4, 304, 309। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये रेड बस रहेंगी, BCCL की बस है, SR4, 309, 304। दोस्तों, ये बस इतनी तेज चलती हैं और किराया बहुत ही कम रहता है इनका, ऑटो से लगभग 1/4 गुना रहता है। तो आप इनसे जाइए, और भोपाल जंक्शन से मित्तल कॉलेज मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि 15 से 20 मिनट में आराम से पहुंचा जा सकता है। तो आपको जब रेड बस में बैठ जाते हैं तो उतरना कहाँ है, बेस्ट प्राइस जो मॉल है, या पीपल्स मॉल, पीपल्स यूनिवर्सिटी या पीपल्स मॉल है, वो उसी के बगल में बेस्ट प्राइज है। आप बोल दीजिए कि बेस्ट प्राइज पर उतरना है, वहाँ उतर जाइए, पैदल आपके कॉलेज चले जाइए। अब दोस्तों, अगर आपका कॉलेज एग्जाम छूट रहा है, आप लेट हो रहे हैं, तो क्या करना है, तो आपको ये रैपिडो ऐप डाउनलोड करना है, पहले से करके रखिए रैपिडो ऐप, और रैपिडो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बाइक बुक करिए। जैसे ही आप बाइक बुक करते हैं, बाइक वाला आपको लेने आ जाता है, और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप OTP शेयर करिए, और वो आपको आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ेगा, और आपका जितना अमाउंट बनता है। तो दोस्तों, ये ऐप हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो आप तुरंत ही ऑटो या बाइक बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो परेशान ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।